नमस्कार दोस्तों, मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है हींग वाला पानी पीने के शरीर को होने वाले फायदे। सभी लोगों को छोटे मोटे शारीरिक परेशानियां तो लगी ही रहती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और जोड़ों में दर्द, ये होना आम समस्या है जो लगभग सभी लोगों में देखने को मिलती है। इन सब के लिए लोग कई तरह की दवाओं का सेवन करते हैं जिससे किडनी को नुकसान होता है। ऐसे में इन छोटे मोटे बीमारियों से निजात पाने के लिए गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग मिलाकर पीना चाहिए, जिससे शरीर को कई फायदे मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हींग का पानी पीने के फायदों के बारे में। गलत खानपान की वजह से लोगों में एसिडिटी की समस्या आम देखने को मिलती है। ऐसे में हर रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में हींग मिलाकर पिएं। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण डाइजेशन सिस्टम को सुधारते हैं। हींग का पानी पीने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल संतुलित होता है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा डायबिटीज के रोगी को रोजाना इस पानी का सेवन करने से फायदा मिलता है। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन या इससे जुड़ी कोई और समस्या होती है, उनके लिए भी हींग का पानी बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हड्डियों को मजबूत करते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। अस्थमा के रोगियों को भी हींग का पानी जरूर पीना चाहिए। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण सांस फूलने की समस्या को कम करते हैं। हींग के पानी में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रोजाना इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। शरीर में खून की कमी होने पर एनीमिया की समस्या हो जाती है। ऐसे में हींग में मौजूद आयरन से शरीर की खून की कमी पूरी होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दांतों को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं और दांत मजबूत हो जाते हैं और ठंडा गर्म नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थे हींग का पानी पीने के सारे फायदे। आगे भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।